जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। मधुबनी जिला के इंडो नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में खतरनाक कोरोना वायरस से बचाव एवं लोगों को जागरूक करने के लिए भारत नेपाल सीमा स्थित देवथा चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को नियुक्त कर दिया गया है, जहां स्वास्थ्य विभाग की एक टीम स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा नेपाल से आने वाले व्यक्तियों से पूछताछ कर वायरस के लक्षणों को परखा जा रहा है। इस बाबत जानकारी देते हुए चिकित्सक डॉक्टर शून्य जयसुदन झा ने बताया कि इस वायरस का प्रकोप चीन के रास्ते नेपाल देश में हो चुका है। नेपाल देश से भारत का सीमा सटे होने के कारण दोनों देशों के नागरिक आते जाते रहते हैं, जिससे संभावना है कि इस वायरस से ग्रसित व्यक्ति भारत आए और भारत के नागरिक भी वायरस के शिकार हो जाए। इसी को लेकर विभाग के द्वारा स्थानीय मुखिया योगेंद्र पूर्वे के सहयोग से पूरे पंचायत में लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। ऐसे मरीजों में बीमारी से होने वाले सिर्फ लक्षणों का ही उपचार किया जा सकता है। वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से इस वायरस के बारे में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार, निमोनिया, सांस लेने में तकलीफ, दस्त, उल्टी होना आदि इनके प्रमुख लक्षण हैं। उन्होंने बताया कि संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में जाने से संक्रमित व्यक्ति के खांसने व ठीक से निकले तरल पदार्थों से एवं रोगी के उपकरणों को छूने के बाद अपने नाक, मुंह व आंखों को छूने से हो सकता है। इस बाबत सीओ संतोष कुमार ने कहा कि जिला पदाधिकारी के निर्देश पर नेपाल से सटे पंचायतों के सभी मुखिया को पत्र भेज दिया गया है। इस पत्र अपने अपने पंचायतों में आमसभा का आयोजन करें, जहां पीएचसी प्रभारी के द्वारा लोगों को इस वायरस से बचाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। कोरोना वायरस के बचाव के संबंध को लेकर देवथा उत्तरी पंचायत में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जयनगर कोरोना वायरस के बारे में तथा उनके बचाव के बारे में भी लोगों को जानकारी दिया। उन्होंने ने कहा कि कोरोना वायरस विषाणु के एक बड़ा समूह है, जो कि मानव एवं पशु दोनों में सर्दी जुकाम से संबंधित बीमारी का संक्रमण करता है। इससे बचने के लिए नियमित रूप से हम अपने हाथों को साबुन से हाथ धोए, खांसते समय अपने मुंह व नाक को ढके। इस अवसर सीओ संतोष कुमार, डॉक्टर शून्य जयसुदन झा, देवथा मुखिया योगेंद्र पूर्वे, लक्ष्मण पासवान, रीता देवी, सोनी देवी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज हम देवधा उत्तरी पंचायत में, जयनगर प्रखंड की देवधा उत्तरी पंचायत में एक ग्राम सभा जो किए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है कोरोना वायरस जो अभी चीन में फैला हुआ है उससे बचने के लिए, उससे कैसे बचें, वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो भारत और नेपाल से सटे पंचायत में जा जा करके करना है। तो हमें दो पंचायत मिला था, एक ही पंचायत मिला था जिसमें दो जगह है, एक देवधा उत्तरी और एक दौर है। तो आज हम इस ग्राम सभा में कोरोना वायरस से कैसे बचें और इसको कैसे और अन्य लोगों को जागरूक करें, इसके लिए आज हम यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। सर अपना परिचय देने का। मैं संतोष कुमार, अंचल अधिकारी जयनगर। इसको हटिया गाछी एक सभा का आयोजन किए, जिसमें हमारे सीओ साहब जयनगर प्रखंड के, हमारे सीओ साहब जयनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के, डॉक्टर साहब, मेडिकल ऑफिसर साहब और हमारे मुखिया जी, ग्रामीण लोग सब यहाँ जुटे थे। कोरोना वायरस नाम का एक तो नया रोग आया है, जिसके लिए जिस पर हम लोग विचार किए और लोगों के बीच में उसका बचाव, उसकी उससे बचाव और उसका उपचार, इसके बारे में हम लोग अच्छा से, उसकी चिकित्सा के बारे में अच्छी से हम लोग अच्छा तरह से हम लोग समझाए सब ग्रामीणों के बीच में। आपका परिचय सर? डॉक्टर जयसुदन झा, मेडिकल ऑफिसर, पीएचसी जयनगर। उसके बाद है कि दूसरा दिन यानी कोरोना वायरस को लेकर जो शिविर लगा है उसके संबंध में सर बताएंगे। आज 10:30 बजे कोरोना वायरस के बारे में हमारे हॉस्पिटल से कुछ कर्मचारी और कुछ डॉक्टर साहब, हमारे सीओ साहब जोधा उत्तरी पंचायत में हटिया गाछी के प्रांगण में एक आम जनता की बैठक बुलाई गई, जिसमें सीओ साहब और डॉक्टर साहब और आशा कार्यकर्ता ने सारे ने कोरोना वायरस के बारे में सारे जनता को जानकारी दी और इसके बचाव के बारे में भी बताया गया। हम आशा करते हैं
कि जितने भी आशा का कार्यकर्ता है उनसे अनुरोध है कि यह बात हमारे जितने भी जनता है उस बीच में ला कर रखें और इससे लोग प्रभावित होंगे। विशेष हमारे जितने भी यहाँ जो अतिथि आए हुए थे, जितने भी मतलब मुख्य कर्मचारी आए हुए थे और जितने भी जनता आए हुए थे, उनको हम इस शुभ अवसर पर अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सर अपना परिचय दे देंगे। मैं योगेंद्र पूर्वे देवधा उत्तरी मुखिया जी।